अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज हमारा हो रहा है यहाँ नाश्ता। मॉर्निंग में ही रात में लेट नाइट बर्गर मंगवाया था, नींद काफ़ी ज़्यादा आ रही थी क्योंकि ऑर्डर काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने कहा सुबह गर्म करके मैं खा लूँगी या बच्चों को दे दूँगी। तो जी यहाँ हो रहा है हमारा निहारी का नाश्ता, गर्म गर्म सात तंदूर की रोटी और सात मज़ेदार का एक चाय का कप, जो कि सुबह बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ जो है ना हलीम की तैयारियाँ हो रही हैं, तो हलीम हमारे घर में नहीं बन रहा। वैसे तो हमारे घर में बनता है लेकिन इस दफ़ा बाहर बन रहा है, मतलब इनके ऑफिस में बन रहा है इन लोगों के। तो ये जो है ना सारा हम लोगों ने पीस वगैरह पीस के दे दिया था इनको, और उसके बाद यहाँ हो रही है हमारे शाम के खाने की तैयारी। तो शाम के खाने में हमारे बन रहे हैं आलू के पराठे। तो ये देखें जी आलू यहाँ बॉईल हो रहे हैं, और साथ साथ जो है ना ये हमने चटनी जो है ना एक अलग तरीके से हमने बनाई है, जो कि बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। और साथ साथ हम लोग बना रहे हैं चटनी के साथ साथ जो बेसन वाली फुलकियाँ होती हैं ना पानी वाली, यार मज़ा ही आ जाएगा आज तो चाय के टाइम पे, बहुत मज़े की लग रही है। अचानक मेरी नंद का फ़ोन आ गया कि चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हम बाहर चलते हैं कुछ खा। मैं रेडी हो गई, बच्चों को भी साथ रेडी कर लिया और मैं निकल गई जाने के लिए। हम लोगों का प्लान हो रहा था कुछ फ़ास्ट फूड खाने का, तो हम लोग निकल गए फ़ास्ट फूड खाने के लिए। यहाँ मेरा मल बहुत तंग कर रहा था, ये गाड़ी में बैठता नहीं है सुकून से बिल्कुल भी। समझ नहीं आ रहा था कि किस मतलब रेस्टोरेंट में जाएँ फ़ास्ट फूड खाने के लिए, तो हमने कहा नज़दीक ही जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते, अपने जौहर में ही खाते हैं। क्योंकि यार काफ़ी लेट जाना ना, मतलब ज़्यादा दूर जाना फिर बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो हमने कहा यहीं जौहर में खाते हैं। तो हमने सोचा ये ना कबाबजी फ्राइड चिकन चलते हैं। और यहाँ का जो है ना, वैसे तो हमने पहले भी खाया हुआ है, बहुत मज़े का है, KFC की कॉपी है, KFC ही लगता है बिल्कुल ना। तो चलें चलते हैं कबाबजी फ्राइड चिकन अंदर खाने और देखते हैं कि क्या ऑर्डर करते हैं। तो लेट्स गो एंड सी। तो जी यहाँ हमारा जो हो गया था ना खाना वगैरह डन हो चुका था, अब हम लोग निकल रहे थे घर के लिए। रास्ते में खाएंगे हम लोग आइसक्रीम सॉफ्ट स्रेल की, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना ना भूलें। तो जो मेरा व्लॉग फर्स्ट टाइम देख रहा है वो जल्दी से सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं कल के एक नए व्लॉग में, आपकी बहुत सारी दुआओं के साथ, आपका बहुत सारा प्यार, इसी तरह प्यार देते रहें। अल्लाह हाफिज़।